आवर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैन, आवर प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन इंचार्ज एंड ऑल द स्टेट स्टाफ मेंबर्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल. आई होप यू ऑल मस्ट बी फिट एंड फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर वर्क. नाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिलीवर माई ग्रीटिंग्स फॉर द प्लेथरा अचीवमेंट ऑफ अंकिता चौधरी इन NIFT. ए ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. शी डिड रिमार्केबली वेल इन हर फील्ड. सो नाउ स्विचिंग टू हिंदी. तो जैसा कि कल आपका सेकेंड प्री फाउंडेशन पेपर और हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों का, जिन्होंने भी प्री फाउंडेशन पेपर दिया है, फाउंडेशन का पेपर दिया है, आपका पेपर अच्छा गया होगा, मैं ये उम्मीद रखता हूं. और इसी चीज को आगे कड़ी जोड़ते हुए मैं आप सभी बच्चों को UPSC के बारे में कुछ बताना चाहूंगा. NIFT के बारे में क्षमता मैम आपको बताएंगी, UPSC के बारे में मैं आपसे कुछ चीज साझा करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं. UPSC, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी हर्ड दिस वर्ड, आपने सुन रखा है कि UPSC क्या है. हो सकता है आपके बड़े भाई बहन इन्होंने अटेम्प्ट किया हो, UPSC में अटेम्प्ट दिया हो. तो सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि UPSC है क्या. फुल फॉर्म तो आप सभी को पता होगा, ज्यादातर बच्चों को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है. तो सर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है. UPSC सेंट्रली ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है UPSC. This is independent constitutional body. सबसे पहले मैं क्या बताना चाहिए कि ये independent constitutional body है UPSC. Article 315 से लेके Article 323 तक ये हमारे constitution में include है. Part 14 में आता है. किसमें आता है? Part 14, Chapter 2, Constitution के. Yesterday I asked many students about you. I asked that how many students want to be IAS officer in future? कल भी कई कई बच्चों ने हाथ ऊपर किया था. वेरी गुड बेटा, हैंड आउट. अब UPSC जो है ना सर, ये तो हमने सुन लिया कि UPSC सब करते हैं. ये AIS के अंदर आता है. AIS क्या होता है? ऑल इंडिया सर्विस. किसके अंदर आता है? ऑल इंडिया सर्विस के अंदर UPSC आता है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की. इसमें कितने पड़ाव होते हैं, कितने फेज होते हैं? इसमें तीन फेज होते हैं बच्चों. कितने होते हैं? तीन फेज UPSC में होते हैं. मैं यहां जाता हूं तो सभी को दिखाई दे पाऊं कितने फेज होते हैं. तीन फेज UPSC में होते हैं. पहला फेज होता है प्रीलिम्स. अच्छा, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं? प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं. जो पहला पेपर होता है वो उसमें क्वेश्चन आते हैं 100 questions. कितने आते हैं? 100 questions आते हैं. वन क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर 2 marks. एक क्वेश्चन के 2 नंबर, तो 100 के कितने नंबर हो गए? 200 नंबर हो गए. अब उसी प्रकार से उसी दिन, फॉर एग्जाम्पल आपका पेपर 1 जून को लग रहा है, तो 1 जून को सुबह का पेपर होगा, 9 से 11 बजे की टाइमिंग रहेगी. अगला पेपर उसी दिन 2 से 4 बजे का होगा, लेकिन कंडीशन है. उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? उसमें क्वेश्चन होते हैं 80. एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का. 80 को 2.5 से गुणा करोगे तो 200 नंबर बनते हैं, ठीक. लेकिन जैसे आपने उस पर्टिकुलर दिन में पेपर दिया, अटेम्प्ट किया आपने, तो उसमें कैलकुलेशन पेपर 2 की पहले होती है. पहले पेपर 2 में जो क्वालिफाई करेगा उसका पेपर 1 में नंबर पड़ेगा. तो सर क्वालिफिकेशन का क्या नेचर है? क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि आपका एक फिक्स क्राइटेरिया है. पेपर 2 में फिक्स क्राइटेरिया है, पेपर 1 में क्या होता है? कट ऑफ जारी होती है. अब पेपर 2 का फिक्स क्राइटेरिया कैसा है? 80 questions है. उसमें अगर आपके सारे हटा के 27 questions सही हो रहे हैं, कितने? 27 questions. लेकिन पता कैसे चलेगा? रिस्क तो लेनी पड़ती है. तो इसमें आपका कट कटा के 67%, ये कह सकते हो कि 67 marks या फिर 33% चाहिए होते हैं. कितने चाहिए होते हैं? 33% चाहिए होते हैं. जिसने पेपर 2 पहले अटेम्प्ट किया है, जो पास किया है, वो पेपर 1 की कॉपी चेक होती है उस बच्चों की. तो जब आपकी पेपर 1 की बारी आई, पेपर 1 की कॉपी चेक हो रही है, तो पेपर 1 में क्या होता है? पेपर 1 में कट ऑफ जारी होती है. फॉर एग्जाम्पल पेपर ज्यादा हार्ड था, तो सपोज करो आपने पेपर दिया किसी एक बच्चे ने, तो आपके लिए पेपर हार्ड नहीं, सबके लिए पेपर टफ होता है. उस टफ पेपर में क्या होगा? कट ऑफ भी कैसी रहेगी? लो रहने की संभावना ज्यादा रहती है. कट ऑफ तो कम रहने की संभावना ज्यादा रहती है, प्रबल रहती है. उसके बाद में क्या होता है सर? उसके बाद में क्या रहेगा? आपको 3 से 4 महीने का गैप मिलता है. यह कोई स्प्रिंट रेस नहीं है कि आप 200 मीटर 100 मीटर दौड़ के जीत गए. ये क्या है? मैराथन है.
मैराथन, मैराथन कितने किलोमीटर की होती है वैसे? 42 किलोमीटर की होती है मैराथन। तो मैराथन रेस आप ये भी समझ सकते हो क्रिकेट से, T20 मैच नहीं है तो सर कौन से मैच है? टेस्ट मैच है, समझ गए? तो उस प्रकार से इसका क्राइटेरिया होता है। अब मेंस में क्या होता है सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मेंस में कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं। मेंस में कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर, जिसमें से 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के, जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते। 7 पेपर होते हैं, उनके मार्क्स जुड़ते हैं। हर एक पेपर कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का। 250 को आप 7 से गुणा करोगे तो कितना होता है? 25, 7 जा 175, 10 लगा दो तो कितने हो गए? 1750 नंबर हो गए आपके 7 पेपर में। अब 7 पेपर में भी क्या होता है? एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्या होता है? ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसमें भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 भी 250 का, पेपर 2 भी 250 का। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या ले सकते हो? जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो, मैथ भी ले सकते हो, सो PSIR भी ले सकते हो। अब PSIR क्या है सर? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन भी ले सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी भी ले सकते हो, हिस्ट्री भी ले सकते हो, सोशियोलॉजी भी ले सकते हो। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑप्शन फॉर यू, यू हैव टू सिलेक्ट वन अमंग देम। ओके, तो आप कोई भी एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। सर इसके बाद में क्या होता है? उसके अलावा 4 GS के पेपर होते हैं। GS1 होता है, GS1, GS2, GS3, GS4। उसके अलावा एक होता है एसे राइटिंग, 5, 2 ऑप्शनल, 7। और 2 जो लैंग्वेज बताया है उसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होती है। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का क्या क्राइटेरिया है सर? सिर्फ पास होना होता है। वो तो आप वैसे कर ही रहे हो, जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश तो आपकी वैसे ही साउंड है। आपको काम किस पे करना है? हिंदी पे काम करना है, लैंग्वेज में उसका पड़ाव पार करना है। नंबर नहीं जुड़ेंगे, किसके नहीं जुड़ेंगे सर? नंबर उसके नहीं जुड़ेंगे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कितने सब्जेक्ट हो गए? पेपर हो गए 9 पेपर हो गए, बैक टू बैक एक दिन में 2-2 पेपर भी देने होते हैं। ज्यादा हार्ड तैयारी नहीं होती, ज्यादा हार्ड होता है कि उस प्रेशर में, उस एग्जामिनेशन प्रेशर में आप किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हो। उस जो 6 घंटे होते हैं ना, 3 घंटे पहले पेपर में उसमें मेंस में और 3 घंटे दूसरे पेपर में, उस 3 घंटे में आप क्या परफॉर्म कर पाते हो वो चीज डिसाइड करती है आपकी मेरिट। मार्क्स सिर्फ प्री के भी जुड़ते हैं क्या? नहीं जुड़ते। मार्क्स सिर्फ किसके जुड़ते हैं? मेंस के। और वो भी कितने पेपर हो गए? 7 पेपर हो गए। कहानी यही समाप्त नहीं होती है, तीसरा पड़ाव भी है। तीसरे पड़ाव को क्या कहते हैं? थर्ड फेज को कहते हैं इंटरव्यू। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? 275 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर कितना हो गया? मेंस हो गया 1750, इंटरव्यू हो गया 275, दोनों को टोटल करोगे तो 2025, अगली साल 2025 कितने नंबर मिलते हैं, समझ गए? उस हिसाब से हमारा क्राइटेरिया होता है इस पेपर का। तो ये जानकारी थी, मैं चाह रहा था कि आप लोगों से भी साझा करें। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये तमाम जानकारी मैंने आपको दी है, अब कितने बच्चे IAS बनना चाहते हैं? अब हाथ ऊपर करो। आई थॉट नंबर कम होंगे, नंबर बड़े हैं, बहुत बढ़िया। तो क्या आप लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए तैयार हो? जोश नहीं आई, आवाज नहीं आ रही? वेल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये बच्चे अभी से चाहत रखते हैं UPSC क्लियर करने के लिए। नीचे कर लो बेटा, आपको वेल डन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल वेडनेसडे। She fight for the NIFT, that is
the National Institute of Fashion and Technology, which is the biggest dream of a fashion designing student in India. And of course, she got selected in it. As an educator, this is the prime moment for me to invite her on the stage to say few words for us and motivate our students towards their dreams and towards their success. So please welcome Ms. Ankita Chaudhary and give her a huge round of applause. I would like Principal Ma'am, Director Sir, Director Ma'am and Sachin Sir to please give her honor. And Ajay Sir, Principal Sir, please give her honor. Students, I congrats to all the team of MSIS
along with the Geeta Chaudhary, who have been selected in Fashion and Technology Institute in Bangalore, which is very reputed institute all over India. It's a great opportunity to her, not only for her, but also the students who are preparing forthcoming examination, they can crack such type of exam. Dear student, you have lot of potential, you have lot of talent, but how to utilize and how to channelize in a right and proper direction so that you can crack any competitive exam and you can achieve and fulfill your dreams which you have made. You have such kind of multi-talented, but mostly teachers do not identify, do not diagnose which quality, which talent hidden in student. Every student has his own hidden talented. I was very afraid of to see silent nature of Ankita when she was a teenage. I was really worried about her. She doesn't talk, she doesn't expose, she doesn't express herself. So that was the very great problem before us. But Suchitra had a good idea. She suggested to me how to channelize his potential in a direct path. और उसकी वजह से सभी टीचर्स का ये कलेक्टिव एफर्ट्स था. मैं पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा. उन बच्चों को जो चित्रकारिता में माहिर हैं, आप भी अच्छे बन सकते हो. ये जरूरी नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि आप मैथ्स में कमजोर हो तो डरने की जरूरत नहीं, आप केमिस्ट्री में कमजोर हो तो डरने की जरूरत नहीं. आप अपने टैलेंट को पहचाने. टीचर से भी मेरी गुजारिश है कि बच्चे को उस टैलेंट को डायग्नोज करें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद में उसको उसी डायरेक्शन में उसको बूस्ट अप करें, मोटिवेट करें, ताकि बच्चा जीवन में कुछ भी बन सकता है. आप भी अपने सपने साकार कर सकते हो. जैसा कि अंकिता को लेकर मैं बड़ा चिंतित था, इसका थोड़ा नेचर साइड था, लेकिन कहते ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और भगवान ने इसकी सुन ली. हम सब इसको धन्यवाद देते हैं. आने वाले बच्चों के लिए आइकॉन बने. बहुत सी लड़कियां हैं जो इस डायरेक्शन में जा सकती हैं, अपने करियर को अपना सकती हैं. माता सरोणी का एक ही ध्येय है और मेरा भी माता सरोणी पर इतना प्रगाढ़ विश्वास और आस्था है कि वो जहां भी है हम सबको देख रही है और वहां से हमें सबको आशीष दे रही है कि मेरी ये पौध फले फूले आगे बढ़े. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ माता सरोणी से भी मैं आपके लिए दुआएं करता हूं कि उनके सपने साकार हों, उनकी दुआएं आपके जीवन में फलीभूत हों. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.